बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। लोग आजकल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में मसरूफ़ हैं क्योंकि इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर है। पिछले दिनों हमने अपने चैनल पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के मुख्तलिफ केसेस देखे। इन वीडियोस को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको सारी बात अच्छी तरह से समझ आ सके। आगे बढ़ने से पहले एक बार दुरूद पाक। मैं हूं रिजवान खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल दी इंफोसाइट, जिस पर हम लाते हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो आम आदमी के फायदे और दिलचस्पी की होती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। नाज़रीन, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पाकिस्तान के टैक्स कवानीन में नॉन रेजिडेंट होता कौन है। तो अगर हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का मुतालिया करें तो इसके सेक्शन 82 में वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है कि रेजिडेंट पर्सन वो होता है जो एक टैक्स ईयर में 183 दिन या इससे ज्यादा पाकिस्तान में रहता है। इसी को अगर हम उल्ट कर लें तो नॉन रेजिडेंट की तारीफ बन जाएगी, यानी ऐसा शख्स जो एक टैक्स ईयर में 183 दिन या इससे ज्यादा मुल्क से बाहर गुजार दे वो नॉन रेजिडेंट होता है। नाज़रीन, ये तो हो गई नॉन रेजिडेंट की तारीफ। अब ये बात समझ लें कि नॉन रेजिडेंट पर्सन की टैक्स रिटर्न के दो मुख्तलिफ सिनेरियोज होते हैं। एक वो जिसमें नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी की पाकिस्तान में कोई भी इनकम ना हो, और दूसरा वो जिसमें नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी की पाकिस्तान में भी इनकम हो, चाहे वो थोड़ी बहुत ही क्यों ना हो। तो आज हम लोग पहला केस डिस्कस करेंगे और हम आपको बताएंगे कि अगर एक नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी ऐसा हो जिसकी पाकिस्तान में कोई भी इनकम ना हो तो वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करेगा। तो आज हमारे पास केस है मिस्टर शाहिद दुर्रानी साहब का, जो कि यूके में होते हैं। हर टैक्स रिटर्न की तरह इनका भी डाटा हमने एक जगह पे पहले जमा किया है, आइए वो एक नजर देख लेते हैं। जी नाज़रीन, हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे मौजूद हैं, तो सबसे पहले हम शाहिद दुरानी साहब का डाटा एक नज़र देख लेते हैं। जी शाहिद दुरानी साहब यूके में होते हैं। इन्होंने जो टोटल पूरे साल के दौरान रेमिटेंस भेजी है, जो टैक्स ईयर के दौरान भेजी है, वो 33 लाख रुपया है, यानी 3.3 मिलियन। और इन्होंने टोटल एक्सपेंस हैं इनके, ये 26 लाख रुपये के हैं। एडजस्टेबल टैक्सेस हैं इनके, दो मोबाइल फ़ोन हैं जिन पे टैक्स कटता रहा है, एक मोबिलिंग का नंबर है जिसमें 5,687 रुपये, और एक टेलीनॉर का नंबर है जिसमें 2,355 रुपये टैक्स कटा है। ये हम लोगों ने एडजस्ट करना है। प्रॉपर्टी सेल परचेज में ये है कि इन्होंने एक प्लॉट ख़रीदा है 9 लाख रुपये मालियत का, 3 मरले का ये प्लॉट है। अदर एसेट की सेल परचेज नहीं है, प्रीशियस आइटम्स की सेल परचेज भी साल के दौरान में नहीं है, और जो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है वो 78,580 रुपए है। तो हम लोग इनकी रिटर्न फाइल करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम उसी तरह से irs.fbr.gov.pk के ऊपर आएंगे। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इनका आईडी और पासवर्ड लगाना है और यहाँ से लॉग इन हो जाना है। अगर आप फर्स्ट टाइम अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप फर्स्ट टाइम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो वीडियो है हमारे चैनल पे मौजूद है उसको देखें, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वही है जो उसमें बताया हुआ है, तो सबसे पहले आप उसमें रजिस्टर हो जाएं, उसके बाद आपने आईडी और पासवर्ड लगा के लॉगिन हो जाना है। तो हम लोग लॉगिन हो जाते हैं, ये सारा डैशबोर्ड आपके सामने है। सबसे पहले आपने FBR मालूमात के सेक्शन में जाके ये चीज चेक कर लेनी है कि जो आपके विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं उनमें कोई भी टैक्स ऐसा तो नहीं है जो बैंक प्रॉफिट से रिलेटेड हो। ये देखें जिस तरह से ये प्रॉफिट ऑन डेप्थ में ये टैक्स की डिडक्शन हुई हुई है। तो अगर कोई भी बंदा है जिसका यहाँ पे सेविंग अकाउंट है और उसके ऊपर उसको प्रॉफिट मिल रहा है और उसमें से फिर उसके टैक्स की डिडक्शन हो रही है, वो यहाँ पे आ रही होगी, तो ऐसा बंदा ये वाली रिटर्न नहीं करेगा। ये वाली रिटर्न सिर्फ वो लोग करेंगे जिनका पाकिस्तान में किसी भी किस्म का सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, डिक्लेरेशन में आना है। डिक्लेरेशन में आने के बाद आपने यहाँ से रिटर्न स्टेटमेंट्स के सेक्शन में आना है। यहाँ पे ये देखें, ये वाला ऑप्शन है जो आपने सेलेक्ट करना है, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी ओरिजिन पर्सन हैविंग नो सोर्स ऑफ इनकम इन पाकिस्तान। यहाँ पे टैक्स ईयर दे दें, 2023 दे लेते हैं हम लोग, और इसको कंटिन्यू कर दें। ये आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, इसको हम लोगों ने फिलअप कर लेना है। जिसमें सबसे पहले आप देख लें, एडजस्टेबल टैक्सेस का फॉर्म आ जाता है। इसके अंदर हम लोगों ने हर किस्म के वो टैक्सेस, जो विदहोल्डिंग टैक्सेस आपकी डिडक्शन हुई हुई है पाकिस्तान के अंदर, वो इसके अंदर आपने एंटर कर लेने हैं।
तो यहाँ पे इस वक्त हमारे पास दो मोबाइल नंबर हैं जिनके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स कटा हुआ है। सेल फोन बिल अंडर सेक्शन 236 इसके अंदर आएंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे आपने नंबर दे देना है अपना, टेलनॉर प्रीपेड लिख दें और इसको सबमिट कर दें, और यहाँ पे आपने इसकी अमाउंट एंटर कर देनी है और इसको कैलकुलेट कर लेना है। दूसरा नंबर मोबिलिंग का है, 5,687 रुपये इसका टैक्स कटा है, तो हम यहाँ से इसको ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे मोबिलिंग प्रीपेड और इसको सबमिट कर देंगे, उसी तरह से इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो इस तरह से देख लें कि आपका जो एडजस्टेबल टैक्स है उसका टोटल आ गया 8,042 रुपये। वेल्थ स्टेटमेंट में आ जाना है। वेल्थ स्टेटमेंट में सबसे पहले आपने अपने एक्सपेंसेस एंटर करने हैं, तो इनके जो एक्सपेंसेस हैं वो हैं 26 लाख रुपए के। अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में हम 26 लाख रुपया एंटर कर देंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। पर्सनल एसेट्स लाइबिलिटीज के अंदर आ जाएं, यहाँ पे इनके सारे एसेट्स मौजूद हैं। जी इन्होंने एक प्लॉट खरीदा है 9 लाख रुपए का, वो हम लोगों ने इसमें ऐड करना है। तो हम लोग यहाँ पे कमर्शियल इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर आएंगे, यहाँ पे हमने इसका एड्रेस दे देना है, प्लॉट नंबर P36 मुस्लिम कॉलोनी लाहौर। जी इसकी मालियत 9 लाख रुपए है, 3 मरले का ये प्लॉट है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोगों ने इनकी जो रेमिटेंस है वो एंटर करनी है, 33 लाख रुपए की इनकी रेमिटेंस है। तो यहाँ पे ये देखें रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में आएंगे तो फॉरेन रेमिटेंस का कॉलम है, यहाँ पे आपने इनकी रेमिटेंस एंटर कर देनी है और यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेना है। जी सबसे पहले आप रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में देखें, अनरिकंसाइल्ड अमाउंट आ रही है 2 लाख रुपया, ये इस वजह से आ रही है, देखें इन्होंने टोटल 33 लाख रुपए की फॉरेन रेमिटेंस की थी, 26 लाख रुपया इनका खर्चा हो गया और 9 लाख रुपए का इनका प्लॉट हो गया, तो टोटल ये 35 लाख रुपया बन जाता है, जबकि इन्होंने भेजा 33 लाख रुपया है। तो यहाँ पे इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे पर्सनल एसेट्स लाइबिलिटीज के अंदर आए तो यहाँ पे हमारे पास कैश की फॉर्म में पिछले साल के 11,19,955 रुपए मौजूद थे, तो हमने जो हमारा कैश था उसको यूज किया था हमने जब हमने प्लॉट की पेमेंट की। जी बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 78,580 रुपए है, तो यहाँ पे हम बैंक अकाउंट ऐड कर देंगे, यहाँ पे अकाउंट का आईबीएन नंबर लिख देंगे और यहाँ पे थोड़ा मेंशन कर देंगे कि ये मिजान बैंक का करंट अकाउंट है, और यहाँ पे हम इसका क्लोजिंग बैलेंस एंटर कर देंगे 78,580 रुपए और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। जी अब हमारे पास सारी चीजें एंटर हो चुकी हैं, अब हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में आए तो हमारे पास 2,78,580 रुपए अनरिकंसाइल्ड अमाउंट में आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखें पर्सनल एसेट्स लाइबिलिटीज में देखें, लास्ट ईयर हमारे पास जो कैश इन हैंड था वो 11,19,955 रुपए था, तो डेफिनेटली हमारे पास जो कैश इन हैंड था उसमें से हम लोगों ने इनको खर्च किया है। 11,19,955 में से इस अमाउंट को माइनस कर लेंगे 2,78,580, तो कैश इन हैंड हमारे पास 8,41,375 रुपए बचता है, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब आप देखें रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में देखें अनरिकंसाइल्ड अमाउंट हमारे पास जीरो हो गई है। तो ये रिटर्न थी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी की जिनका पाकिस्तान में सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, ये हमने आज आप लोगों को बताई है। इसको यहाँ से सेव कर लें और सेव करने के बाद आपने जस्ट यहाँ से सबमिट कर देना है। इसको सबमिट करने के लिए यहाँ पे ये पिन कोड देंगे अपना 4 हिंसों का और इसको सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से ये रिटर्न है आपकी। अगर आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं और आपका पाकिस्तानी में किसी भी किस्म का सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो आप इस तरह से अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं और आपका पाकिस्तान में भी सोर्स ऑफ इनकम है तो आप किस तरह से अपनी टैक्स रिटर्न को फाइल करेंगे। तो इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम लोग हाजिर होते रहेंगे। किसी भी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन होगा तो हम उसको वेलकम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।